विदिशा जिले के गंज बासौदा शहर वाचनालय पाठक संघ द्वारा अवंतीबाई का बलिदान दिवस एवं विश्व गौरैया विश्व स्वास्थ्य विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विश्व गौरैया दिवस के लिए काम कर रही शालिनी यादव का सम्मान किया गया। वहीं स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर डॉक्टर विमल चंद्र का सम्मान भी किया गया। प्रसन्नता हेतु सभी लोगों ने काव्य पाठ कर एक दूसरे को हंसाने गुनगुनाने का प्रयास किया। इस मौके पर प्रकाश डालते हुए वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर विमल चंद्र ओसवाल ने सभी को स्वस्थ रहने के विषय में जानकारी दी और गौरैया संरक्षण व अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर विस्तृत प्रकाश प्रकाशित किया। साथ ही वरिष्ठ समाज सेवी बाबू भाई पिगले ने कहा कि क्रांति की सबसे पहली मसाल जलाने वाली अवंतीबाई लोधी से प्रेरणा लेकर देश रक्षा करनी चाहिए। गौरैया की प्रजाति को बचाने हेतु हम सबका दायित्व है। कोक सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। तो सबसे पहले नियुक्ति है कौआ और गीद और अन्य पशु पक्षी भी उसके साथ में जो है उस कीटनाशक की बलि चढ़ गए। आज जरूर हमारे यहाँ गोबर घास गोबर प्लांट वगैरह की खाद वगैरह चल रही है। तो मैंने भी काफी टाइम उनके साथ काम किया, उनका बराबर सहयोग रहता था। मैं गर्मियों में पिछले 8-10 साल से मिट्टी के सकोरे बनवा के जगह जगह लगाती हूँ अपने उस पे, और जो जरूरतमंद जिनको लगाना चाहते हैं वो फ्री घर से वितरित करती हूँ। उसमें उनका भैया का बहुत सहयोग रहता था, जो भी अपने घर में पक्षी गौरैया बचाने के लिए जो लगवाना चाहते थे उन्होंने कई लोगों को मेरे साथ मिलकर उन्होंने सहयोग किया और आगे ये काम भाभी कर रही हैं। मैं उनकी तो सबकी सराहना करता ही हूँ, लेकिन मैं इस मंच से ये बात कह रहा हूँ कि वास्तव में इन सब के बारे में मुझे उतना ज्ञान नहीं है ना रहता है। तो मेरे यहाँ आने का पर्पज ये है खास तौर पे कि इन लोगों से मुझे नई नई जानकारी मिल जाती है और अच्छे काम जो अच्छे लोगों के बारे में जानकारी देते हैं तो मतलब लगता है कि वास्तव में कैसे कैसे लोग पढ़े थे, हमें भी उनसे प्रेरणा हमेशा लेते रहना चाहिए। तो इन लोग ये सब हमारे प्रेरणादायी हैं और इनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए, वो इन लोगों से सुनने के बाद मिलता है जो अभी इतने मतलब भाव में अवस्थित। ओलावृष्टि से विदिशा जिले के गांव में हुए नुकसान का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंकलन किया। फसलों को देखते हुए कहा कि ओलावृष्टि और असमय बारिश से फसलों के 50% से अधिक के नुकसान पर किसानों के प्रति हेक्टेयर अब 32,000 रुपए की राहत राशि दी जाएगी, फसल बीमे की राशि अलग से दी जाएगी। उन्होंने उद्यान की फसलों को भी सर्वे में शामिल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री चौहान ने कहा कि किसान चिंता ना करे, परेशान ना हो, चिंता के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं और किसान बहन और भाइयों को सभी तरह के संकट से बाहर निकाल कर ले आऊंगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंगलवार को विदिशा जिले के गुलाबगंज तहसील के पटवारी खेड़ी घुड़दा मंडी गांव में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद किसानों को ढांढस बंधाते दिखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान चिंता ना करे, प्रत्येक प्रभावित खेत का सर्वे मानवीय दृष्टिकोण और उदारता से होगा जिससे किसानों को भरपूर राहत दी जा सके। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रभावित जिलों में सर्वे का कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी हिला हवाली नहीं करे और पारदर्शी तरीके से नुकसान का सर्वे करे, कोई भी परेशान ना हो। विदिशा मध्य प्रदेश से कोक सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। और किसान बहनों और भाइयों, अब 5 मिनट कोई आवाज नहीं करेगा ताकि मेरी बात आप तक और मीडिया के माध्यम से बाकी किसानों तक भी पहुंच जाए जिनकी फसल का नुकसान हुआ है। मेरे किसान बहनों और भाइयों, आज मैं ओला प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं। अभी विदिशा में हूं, फिर सागर जाऊंगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पूरे मध्य प्रदेश के उन सब किसानों से जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। मैंने पहले ही फसल का जो नुकसान हुआ है उसके सर्वे के आदेश दे दिए हैं। यहाँ विदिशा जिले के कलेक्टर, भोपाल संभाग के कमिश्नर, बाकी अधिकारीगण हैं और मेरे ये निर्देश
मेरे ये निर्देश सभी जिलों को चले गए हैं। हर खेत में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आप सब जानते हैं, क्योंकि हजारों हजार किसानों का नुकसान हुआ है। अब ये सर्वे होगा, कई जगह सर्वे चल रहा है, ईमानदारी से सर्वे होगा सर। कोई किसान ये चिंता ना करे कि मेरी अगर नुकसान हुआ तो फसल का सर्वे नहीं होगा। जहाँ फसल का नुकसान हुआ है हर खेत का सर्वे किया जाएगा सर। और सर्वे भी मानवीय दृष्टिकोण से होगा सर। वो कांग्रेस की सरकारें होती थी कभी जो कहते थे कि नुकसान हो तो ज़्यादा मत लिखना, कम लिख देना ताकि राहत की राशि नहीं देना पड़े। मैं साफ कह रहा हूँ कि उदारता पूर्वक करना है, किसानों को राहत देने के लिए करना है, और इसलिए सर्वे में जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को लिखने में कोई कोताही किसी भी कीमत पर नहीं बरती जाए। गेहूँ हो, सरसों हो, धना हो, चना हो, मसूर हो, या कुछ जगह हॉर्टिकल्चर की फसलें भी, उन सब का सर्वे होगा। और सर्वे करके, सर्वे भी केवल एक विभाग नहीं करेगा। बिजली बिल कुछ लोगों ने, एक मिनट, कुछ लोगों ने ये नहीं करवाया था रजिस्ट्रेशन, गेहूं का नहीं हुआ था खरीदी का, तो जो किसान रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल भी फिर से मैं खुलवा दूंगा, ताकि समर्थन मूल्य पे अगर बेचना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। बिजली बिल वसूली भी जिनका नुकसान हुआ उनकी स्थगित हो जाएगी। अरे यार, और निकला हूँ तो पूरे प्रदेश के किसानों को संदेश दे रहा हूँ यहाँ से, दिक्कत परेशानी और संकट, बस फसलों को कई जगह कई गांव में व्यापक नुकसान पहुंचा है, किसान की आंखों में आंसू है, मेहनत तो गई लेकिन खाद बीज कीटनाशक उन सब का खर्चा, अगला साल कैसा चले चिंता। लेकिन किसान बहनों और भाइयों से मेरी अपील है कि चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मन में तकलीफ होगी मैं मानता हूँ, लेकिन मैं हूँ इसीलिए कि संकट के पार किसान को निकाल कर ले जाऊँ। हर खेत में मैं पहुँच नहीं सकता, लेकिन संदेश पूरे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कि अगर आपकी फसलों को 50% से ज़्यादा नुकसान पहुँचा है तो 32,000 रुपया प्रति हेक्टर की दर से हम राहत की राशि देंगे। और ये राहत की राशि के अलावा फसल बीमा योजना का लाभ अलग से देख के, राहत की राशि और फसल बीमा योजना दोनों मिला के उसके नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। हमने ये फैसला भी किया है कि प्रभावित किसानों से कर्ज वसूली स्थगित कर दी जाएगी, कर्ज का ब्याज भी सरकार भरवाएगी और अगले साल 0% ब्याज पर ही उनको कर्जा मिले, इसका पुख्ता इंतजाम हम करेंगे ताकि किसान अपनी फसल ले सके। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर फसलों के अलावा, फसलों में सब शामिल है, गेहूं, चना, धना, मसूर, अगर हॉर्टिकल्चर की फसलें हैं तो वो भी क्या नुकसान हुआ सबको शामिल करेंगे। पशुओं का अगर नुकसान हुआ तो उसके लिए भी राहत की राशि देंगे। मकानों के नुकसान में भी अगर कबेलू वबेलू फूट गए तो उस पर भी हम राहत का इंतजाम करेंगे। और अगर आपदाग्रस्त किसान